हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो चुके हैं 4:05 और मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो चलिए, दूध लाने का टाइम हो रहा है, तो अभी जाएंगे दूध लाने के लिए। और मज मैंने क्या पूरा दिन कुछ भी शूट नहीं किया। इनके पेपर चल रहे हैं, तो कल है परी का पेपर। मैंग का तो नहीं है, परी का है संडे को। जिस अब आज जो अभी शूट कर रही हूँ ना, तो आज संडे है। और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक किया करिए। तो अभी रात का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पास मैं खाना बना रही हूँ रात का डिनर। तो एक साइड मैंने भिंडी काट के रख ली है बनाने के लिए, और बैंगन की कलौंजी बनानी है। तो पहले बैंगन की कलौंजी को मैं तड़का लगा देती हूँ। तो इसमें मैंने अदरक लहसुन कूट के, मिर्च को कूट के रख लिया था, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन मैंने डाल के, और फिर इसके बाद जो कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट था उसको मैंने डाल दिया। और इसके बाद बैंगन पे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक डाल देंगे तो जल्दी बैंगन गल जाएगा और सब्ज़ी जो है ना जल्दी बनेगी। इसके बाद सारे मसाले ऐड कर दिए इसमें मैंने, और उसको ढक दी हूँ। और दूसरी साइड अब भिंडी बना लेती हूँ। तो यहाँ पास मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और मस्टर्ड ऑयल डाल दिया थोड़ा सा, और फिर वही प्याज लहसुन अदरक सभी चीज़ों को मैंने डाल के भिंडी को डाल के ढक दिया है। अभी नमक मैंने भिंडी में नहीं डाला, क्योंकि नमक पहले डाल दो तो भिंडी में ना अजीब से हो जाती है, इसलिए नमक अभी नहीं डाली हूँ। और अभी मैं आटा भी लगाऊंगी। तो यहाँ पास मैंने जिसमें आटा लगाते हैं ना परात, उसको निकाल के रख ली हूँ। तो इसमें आटा चाल लेती हूँ छन्नी से, तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है ना आटे में, कुछ गंदा सा ना रहे। उसे घर से गेहूँ आता है, बाज़ार का लिया हुआ आटा नहीं है, इसलिए अच्छा है। और यहाँ पास मैं आमलेट बना रही हूँ, बच्चों को खाना देना है अभी। और यहाँ पास साथ में थाली भी लगा रही हूँ खाना देने के लिए, दोनों बच्चों को एक ही थाली में खाना दे दूँगी। तो यहाँ पास जो बैंगन के छिलके होते हैं ना, उनको निकाल रही थी। और तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि आमलेट अच्छा बन चुका है। और बना देती हूँ रोटियाँ, तो इसको ना दो टुकड़ों में कर दूँगी अलग अलग दोनों के लिए। और यहाँ पास अब रोटियाँ बना सेक के ना बच्चों को खाना दे देती हूँ। और इसके बाद बच्चों को खाना मैंने दे दिया था। और मैं उस दिन कैंटीन गई थी ना, तो गुलाब जामुन लेके आई थी। तो उस दिन मैंने खोला नहीं था ना, तो बच्चे परेशान करके रखे, तो फिर निकाल के मैंने दिया। और अब खाना पीना सबका हो चुका है, तो यहाँ पास मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ पहले। और दूध तो मैंने पहले ही पका लिया था, गैस मैंने साफ़ कर लिया, सभी काम हो चुके हैं, रह गया था बर्तन, तो इनको भी साफ़ कर लेती हूँ पहले। और एक नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह है, तो यहाँ पास सबसे पहले मैंने पानी गर्म किया है पीने के लिए। तो सबसे पहले पानी एक गिलास गर्म करके पीऊँगी और इनको भी दूँगी और मैं भी पीऊँगी पानी। फिर इसके बाद यहाँ पास सब्जी बन चुकी है, मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है। और एक साइड तवा चढ़ा दिया है रोटी बनाने के लिए, क्योंकि फेरी को नाश्ता देना है, वो पेपर देने जा रही है, तो यहाँ पास उसको नाश्ता देना है। इसलिए उस बोली मुझे रोटी ही खानी है, तो मैं एक दो रोटी उसके लिए सेंक देती हूँ पहले, फिर नाश्ता जो बाकी के लोग हैं, तो मयंक हो गया उसके पापा, तो उनके लिए मैं बाद में रोटियां बनाऊंगी, रोटी या पराठा जो भी खाएंगे तो मैं बाद में बनाऊंगी, पहले परी को बना के दे देती हूँ, ये लेट हो रही है स्कूल के लिए। और यहाँ पास उसको छोड़ के आने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय पी। और इसके बाद अब मैं वाशिंग मशीन में पानी डाल रही हूँ, क्योंकि कपड़े रखे हैं धोने के लिए, तो बेड शीट हो गए हैं धोने के लिए, इसलिए मैंने मशीन में लगाया है। कि बाकी कपड़े तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, पर जिस दिन बेड शीट होती है उस दिन मैं पक्का मशीन लगाती हूँ धोने के लिए। तो यहाँ पास अब मयंक की पूछ देख रहा होगा, और अभी देख सकते हैं कि पूरा घर फैला हुआ है। तो चलिए, इसकी सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेबल से साफ सफाई की। तो यहाँ पास कुछ कागज़ पत्थर निकाले होंगे से फाइल्स वाइल्स, तो वो पहले उनको ठीक करके रख देती हूँ। और भी बच्चों की बुक्स रखी हैं वो ठीक कर देती हूँ, पेन उन सभी से जगह फैली हुई है।
और फिर इसके बाद बिस्तरों की बारी, नंबर आता है बिस्तरों का, उनको ठीक करती हूँ। और एक साइड मशीन मेरी लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं साथ ही में, और दूसरे साइड जो घर का काम है ना, उनको मैंने स्टार्ट कर दिया करने के करना। तो टावल पड़ी हुई थी बच्चों की, और कुछ कपड़े ऐसे ही जो हम रख देते हैं, तो अभी यहाँ पास सभी सुबह कम से कम एक बार घर ठीक हो जाए, फिर दिन में कैसा भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैं बोल रही थी तुम दूसरे रूम में चले जाओ, मैं बिस्तर को ठीक कर देती हूँ और इसको झाड़ के और जो भी है ना तो अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। एक बार साफ़ हो जाएगा फिर कोई बात नहीं। बाद में तो कंबल को फोल्ड करके रख देती हूँ पहले। तो यहाँ पास मैंने सभी हटा के और झाड़ के फिर बिस्तर को ऐसे ही रख दिया है, पूरा नहीं झाड़ा है बेडशीट को, ऐसे ही टावल से मैंने झाड़ दिया। दूसरे साइड का बिस्तर है तो उसको पहले ठीक कर लेती हूँ। तो जो चीज़ इधर पानी का बोतल हो गए, सभी चीज़ रखे, तो इनको सब चीज़ को पहले हटा देती हूँ, और जितने पिल्लो हैं तो इनको पहले हटा के और फिर बेडशीट को झाड़ना है। और जो बेड है उधर अलमारी है वहाँ के भी थोड़ी चीज़ें ठीक करनी है, क्योंकि धूल जम गई है तो उनमें थोड़ा सा कपड़ा मारूंगी हर जगह। और जो उनके पेपर हैं तो पेपर चेंज नहीं करना अभी, बस उनको उल्टा करके फिर बिछा दूंगी। और जो टोकरियाँ हैं तो उनको अच्छे से थोड़ा सा कपड़ा मार दूंगी ना तो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि थोड़े थोड़े दिन में कोई हर चीज़ ना ठीक करते रहो तो घर एकदम सेट लगता है, अगर छोड़ दो तो फिर हो गया। तो यहाँ पास करीब एक हफ्ते 10-15 दिन में ना सब चीज़ मैं ठीक करती रहती हूँ। तो वैसे तो डेली का डेली हम जहाँ से चीज़ उठाते हैं वहीं रखते हैं, पर हो गया कुछ ना कुछ तो इधर उधर हो ही जाता है। तो सभी टोकरियों को मैंने साफ़ कर दिया है कपड़ा मार के, और जो दवाई ववाई थी उनको देख रही थी, और सभी चीज़ को ठीक से रख दी हूँ। और इधर बेड में ना बहुत सारी धूल जम गई थी, तो क्योंकि इधर मैंने कुछ टाइम से नहीं साफ़ किया था, तो अच्छे से यहाँ कपड़ा मार के साफ़ कर देती हूँ पहले, और फिर इसके बाद इसका बेडशीट ना चेंज नहीं करूँगी, अभी साफ़ है, गंदा नहीं है बेडशीट, बस इसको झाड़ दूंगी और फिर इसी को बिछा दूंगी। तो यहाँ पास मैं कपड़े डाल के छत से वापस आ रही थी, क्योंकि छत सब काम करने के बाद, झाड़ू पोछा के करने के बाद मैं कपड़े डालने के लिए गई थी। अभी नहाना रह गया है तो चलिए, क्योंकि बर्तन रखे हैं तो बर्तन धोती हूँ। और एक साइड मैंने अपने नहाने के लिए पानी रख दिया गर्म करने के लिए, ज़्यादा गर्म पानी नहीं करूँगी क्योंकि अब ज़्यादा ठंडी तो है नहीं, पर हल्का पानी गर्म अभी चाहिए। तो ये नाश्ते के बर्तन हैं, क्योंकि मैंने सब्जी बनाई थी कुकर में, चाय के हो गए, अंडे बॉयल करी उसके बर्तन हो गए। तो यहाँ पर सभी बर्तनों को पहले धो लेती हूँ, क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है ना, करीब 11 बजे का टाइम या 11:15 का टाइम होगा अभी। तो आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।